जय हिंद दोस्तों आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है आज हम लोग बड़ोदरा डिवीजन वेस्टर्न रेलवे का टेक्नीशियन थ्री सी एन डब्ल्यू फिटर डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 9 सितंबर 2023 को ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं आप लोग के लिए क्या क्वेश्चन है तो आप लोग भी रेडी हो जाइए जो भी फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम के लिए वीडियो वॉच करेंगे जरूर अपना प्रिपरेशन अपना प्रैक्टिस मेरे साथ कर सकते हैं जैसे ही हम क्वेश्चन रीड करेंगे अपना आंसर ले सकते हैं और टोटल जो मार्क सिक्योर किए हैं, इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं तो जैसा कि पहला क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बीबी जड़े इच डे सेवन तो बीबी जड़े एक आप लोग का एट व्हीलर ब्रेक वैन होता है जिसमें कि आई ट्रॉली रहता है तो इसी हिसाब से आई बीएमबीसी आप लोग का ब्रेक सिलेंडर के अनुसार इसका पिस्टन स्ट्रोक हो जाएगा 32 टू एम एम ऑप्शन बी के साथ चलिए तो इसका जो आप लोग का ये भी क्वेश्चन में आता है कि बीएमबीसी जो कि आई ट्रॉली में आई कोच में ये यूज होता है इसका सिलेंडर का ब्रेक सिलेंडर का डायमीटर जो होता है ये आठ इंच या दो सौ तीन एम होता है इसके साथ साथ बी वी जर्सी का देखेंगे बी वी जर्सी जो कि फोर व्हीलर ये ब्रेक वैन होता है तो इसमें आप लोग का ये पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है इसमें पिस्टन स्ट्रोक 70 प्लस माइनस 10 एम एम होता है और इसका जो ब्रेक सिलेंडर का डायमीटर होता है ये 12 इंच या 305 mm होता है इसके साथ साथ फ्राइट स्टॉक में गुड स्टॉक में और एक ब्रेक भैन यूज होता है जो कि बी होता है बी जिसमें कैसन बो फिट होता है तो इसमें आप लोग का जो पिस्टन स्ट्रोक होता है ये 85 फाइव प्लस माइनस टेन एम एम होता है और इसका ब्रेक सिलेंडर का डायमीटर 14 इंच या 300 पचपन एम एम होता है तो ये भी एक्स्ट्रा डाटा आप लोग याद रखिए नेक्स्ट चलते हैं व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सेफ्टी बल्ब फिटेड इन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंक वागन तो आप लोग का जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंक वागन रहता है जिसको कि बी टी बोलते हैं बी टी एल एन तो यही आप लोग का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंक वागन में जो सेफ्टी वाल्व रहेगा वो कहां पर रहता है तो ये रहता है इनसाइड डोम डोम के अंदर रहेगा ऑप्शन ए के साथ चलिए इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैशन ऑफ बॉगी व्हाट आर दे सो टेक्निकल पेम्पलेट यूज तो कैशन ऑफ बोगी के लिए जो आर डी टेक्निकल पैम्पलेट इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस के लिए यूज होता है ये होता है जी 95 फाइव रिपीटेड क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए इसी हिसाब से जो जी नाइन्टी सेवन है ये इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्रेक सिस्टम ईयर ब्रेक सिस्टम ऑफ फ्राइड स्टॉक या गुड स्टॉक G86 होता है इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ये क्या हो जाएगा इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंक वागन तो ये हो जाएगा बी टी पी जी एल एन तो ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंक वागन के लिए ये होता है आप लोग का आर डी एस ओ टेक्निकल पेम्पलेट जी एटी सिक्स जी सिक्स ये आप लोग का इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बी टीपीएन वागन टैंक पेट्रोलियम न्यूमेटिक वागन तो यह भी एक्स्ट्रा डाटा आप लोग याद रखिए ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन ईयर फ्लोज फ्रॉम तो जब भी ब्रेक एप्लीकेशन होगा बीपी ड्रॉप होगा ईयर ER कहां से कहां जाएगा ऑगजुल रिजर्वर से ब्रेक सिलेंडर के पास जाएगा तो ऑप्शन देख लीजिए ऑप्शन ए के साथ चलिए ईओटी क्रेन हैज डेस मोशन ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन रहता है ईओटी क्रेन का फॉर्म इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन तो इसका कितना मोशन रहता है इसका आप लोग का तीन मोशन रहता है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है जैसे कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन हो गया उसके बाद अप एंड डाउन मोशन होगा और एक मोशन जो होगा ये क्रॉस ट्रेवल होगा वर्किंग प्रेशर ऑफ अपीपीएन सेफ्टी भार्ब इज तो पी में जो सेफ्टी बल्ब रहेगा इसका वर्किंग प्रेशर कितना होता है रिपीटेड क्वेश्चन है ये 1.4 पॉइंट पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन ए के साथ चलिए इन वागन स्टक ड्यूरिंग सर्विस मैक्सिमम स्लैक परमिटेड इन सी बी सी डे सेमएम तो वागन स्टॉक में आप लोग का मेंटेनेंस के दौरान मैक्सिमम स्लैक जो परमिटेड होगा सी में ये ट्वेंटी फाइव होगा ऑप्शन सी के साथ चलिए कंडमनिंग हाइट ऑफ बोला गया इसका कंडमनिंग हाइट पूछा है जो कि फोर्टी टू एम होता है तो अगर न्यू कंडीशन में आप लोग का पूछा होता न्यू कंडीशन में तो ये फोर्टी सिक्स एम है डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग इज़ सुइटेबल टू एक्सटिंग हुइस डेस तो यहीं पर ड्राई केमिकल पाउडर टाइप का जो अग्निशामक होता है ये किस प्रकार का आग को बुझा सकता है तो ये सभी प्रकार का आग को बुझा सकता है जैसे कि पेट्रोल सॉरी डीजल इलेक्ट्रिक पेट्रोल ये ऑल ऑफ द एवअप हो जाएगा परमिशुबुल वेरिएशन इन व्हील डायमीटर ऑफ सेम कैशन ऑफ बॉगी ऑफ ए वागन इज डेस एम तो जब भी टायर टर्निंग करेंगे व्हील चेंज करेंगे यही कंडीशन में परमिशुल व्हील डायर डिफरेंस देखना पड़ता है इसको पेयरिंग करना पड़ता है मैचिंग करना पड़ता है यही कंडीशन में ये कैशन ऑफ बोगी के लिए पूछा है तो सेम कैशन ऑफ बोगी के लिए ये कितना हो जाएगा ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है ये हो जाएगा थर्टीन एम एम तो वागन का केस में आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग का सेम एक्सेल जीरो पॉइंट फाइव एम एम सेम बोगी में सेम बोगी में या सेम ट्रॉली में थर्टीन एम एम और सेम वागन में ट्वेंटी फाइव एम एम ये भी बहुत सारे वीडियो में रिपीटेडली बताया जा रहा है गलती नहीं होना चाहिए ट्रैक गेज डिस्टेंस ऑन स्टेट ट्रैक इज डेम एम तो यहीं पर ब्रॉड गेज का आप लोग का जो उथ है चौड़ाई है या इसका डायमेंशन या डिस्टेंस पूछा जा रहा है स्ट्रेट ट्रैक में ये कितना होना चाहिए तो ये वन सिक्स सेवन सिक्स प्लस माइनस सिक्स होना चाहिए सोलह सौ छिहत्तर प्लस माइनस सिक्स ऑप्शन ए के साथ चले इसका मतलब आप लोग का मिनिमम वन सिक्स सेवन ज़ीरो और वन सिक्स एट टू एम एम जो होगा ये मैक्सिमम होगा ये हो जाएगा मैक्सिमम फ्रिक्शन कोपिशेंट ऑफ के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इच डे समय, सॉरी फ्रिक्शन ऑफ के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक कितना है इसमें कोई यूनिट रहता नहीं फ्रिक्शन कोपिशेंटअप पूछ रहा है के टाइप ब्रेक ब्लॉक के लिए जो कि जीरो पॉइंट टू फाइव होता है ऑप्शन डी के साथ चलिए रेट ऑफ वेरिएशन इन क्रॉस लेवल पर मीटर इच नॉन एज तो यहीं पर देखिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का कुछ है रेट ऑफ वेरिएशन इन क्रॉस लेवल पर मीटर इच नॉन एज ट्विस्ट हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ चलिए फोर्स रिक्वायर्ड टू लॉक ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक ऑफ बीएलसी वागन इच तो बी एल सी वागन में ए टी एल जो रहता है तो इसको लॉकिंग करने के लिए कितना फोर्स चाहिए तो लॉक करने के लिए 600 सौ के जी का फोर्स चाहिए और अनलॉक करने के लिए एक हजार के जी का फोर्स चाहिए द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर बी एल सी वागन फ्रॉम रेल लेवल इज तो यहीं पर देखिए स्टैंडर्ड हाइट पूछा है स्टैंडर्ड हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म पूछा है वो भी बी एल सी वागन के लिए फ्रॉम रेल लेवल ये कितना हो जाएगा ये वन डबल जीरो नाइन एम एम हो जाएगा एक हजार नौ एम एम हो जाएगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसको याद रखिए एच पर न्यू वागन नंबरिंग स्कीम फास्ट टू डिजिट विल इंडिकेट्स रिपीटेड क्वेश्चन तो नया वागन नंबरिंग स्कीम में पहला दो दि, दि, जो संख्या रहेगा डिजिट रहेगा ये टाइप ऑफ वागन को दर्शाएगा ये देख लीजिए ऑप्शन बी के साथ चलिए इसी हिसाब से देख लीजिए आप लोग का जो ओनिंग रेलवे है ये तीसरा और चौथा डिजिट को दर्शाता है इसी हिसाब से ईयर ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग है ये आप लोग का पाँच नंबर और छः नंबर डिजिट को दर्शाएगा इसके बाद वागन का सीरियल नंबर वागन सीरियल नंबर जो होगा ये वागन का इंडिविजुअल सीरियल नंबर जो होगा ये दर्शाएगा सेवन एट नाइन और टेन ये चार डिजिट जो रहेगा ये वागन का इंडिविजुअल सीरियल नंबर को दर्शाएगा और जो लास्ट डिजिट होगा ग्यारहवा वाला डिजिट ग्यारह नंबर डिजिट ये चेक डिजिट को दर्शाएगा ये भी रिपीटेडली बताया जा रहा है एकदम गलती मत कीजिए इसमें व्हाट इज द विकेस्ट लिंक ऑफ द सेंटर बफर कपलर वेरी इजी क्वेश्चन ये देखिए सीबीसी में सेंटर बफर कपलर में वही लिंक नकल होता है कमजोर कड़ी यहीं पर कमजोर कड़ी हो जाएगा नकल ऑप्शन ए के साथ चलिए ट्रैक गेज मेजर डेस एम एम बिलो द रेल टफ ट्रैक गेज को जब भी ट्रैक गेज मेजर करेंगे तो कितना एम एम बिलो रेल टफ से मेजर करेंगे तो ये हो जाएगा फोर्टीन एम एम बिलो इसको मेजरमेंट किया जाता है ऑप्शन सी के साथ चलिए कंडमनिंग लिमिट ऑफ बी एल सी व्हील सेट इच यहीं पर देखिए बी एल सी व्हील का डायमीटर पूछा है कंडमनिंग डायमीटर कितना हो जाएगा तो कंडमनिंग डायमीटर ये हो जाएगा सेवन एटी एम एम हो जाएगा ये नया कंडीशन में बी एल सी का केस में बी एल सी वागन का व्हील जो होगा डायमीटर नया व्हील डायमीटर आठ सौ चालीस एम एम लास्ट शॉप इशू साइज लास्ट इशू साइज हो जाएगा सेवन नाइन्टी थ्री एम एम और जो कंडमनिंग होगा ये सात सौ अस्सी mm एम एम होगा ये तीनों डाटा याद रखिए डेस्ट टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट इंटरनल फॉल्ट्स ऑफ एक्सेल तो एक्सेल में आप लोग का अंदरूनी दरार या आंतरिक दोष को पता लगाने के लिए आप लोग का क्या टेस्ट किया जाता है इसमें यू किया जाता है इंटरनल फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए एक्सेल का इंटरनल फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए यू होता है अल्ट्रासोनिक टेस्ट ऑप्शन बी के साथ चलिए नेम द टाइप ऑफ कपलिंग यूज इन बी एल सी वागन बी एल सी वागन में सी बी सी भी यूज होता है दोनों ए कार में सी बी सी होगा दोनों एंड में और इसके साथ साथ बीच में तीन बी कार में स्लैकलेस ड्रॉबर भी रहेगा तो इसमें आप लोग का सी भी यूज होगा और स्लॉकलेस ड्रॉवर भी यूज होगा बी एल सी वागन में ऑप्शन ए के साथ चलिए मिनिमम बफर हाइट ऑफ ए कोच फ्रॉम रेल लेवल इज डे सेमएम तो यहीं पर देखिए मिनिमम आप लोग का हाइट पूछा है बफर हाइट पूछा है फ्रॉम रेल लेवल ये कितना हो जाएगा हजार तीस हो जाएगा ये हो जाएगा आप लोग का हज़ार तीस एम मिनिमम जो कि लोडेड कंडीशन में रहता है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं तो मिनिमम ये लोडेड कंडीशन में हज़ार तीस एम एम मिनिमम बफर हाइट एम टी कंडीशन में हजार नब्बे एम एम मिनिमम व्हाट्सअप टर्नआउट कोच के लिए व्हाट्सअप से निकला हुआ आप लोग का कोच के लिए और से निकला हुआ कोच के लिए आप लोग का मिनिमम जो बफर हाइट होगा ये भी हजार नब्बे एम एम होगा वन जीरो नाइन जीरो एम एम होगा मिनिमम प्रोडक्शन यूनिट से जो टर्न आउट हुआ है कोच ये हो जाएगा वन जीरो नाइन फाइव एम एम हजार पंचानबे एम एम हो जाएगा वन जीरो नाइन फाइव एम एम और मैक्सिमम आप लोग का जो बफर हाइट होगा मैक्सिमम ये 1105 सौ होना चाहिए तो ये भी एक्स्ट्रा डाटा आप लोग याद रखिए इन पासेंजर ट्रेन द डायमीटर ऑफ ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप तो पासेंजर कोच में ब्रेक पाइप बीपी और एफपी का फीड पाइप का डायमीटर पूछा है जो कि 25 फाइव mm होता है तो इसमें भी थोड़ा डाटा देख लीजिए जैसे कि आई कोच के लिए बीपीएफ का डायमीटर जो डाया होगा ये ट्वेंटी फाइव एम एम एल कोच के लिए बी का डायमीटर ट्वेंटी एट mm. एम एम वागन स्टॉक में गुड्स में बी का डायमीटर 32 टू mm. एम तो ये भी डाटा आप लोग याद रखिए कंडमनिंग लिमिट ऑफ ब्रेक पैड इज तो कंडमनिंग लिमिट पूछा है ब्रेक पैड में तो ये हो जाएगा 7 एम mm. अगर नया कंडीशन में न्यू कंडीशन में ब्रेक पैड का थिकनेस कितना होता है ये 35 फाइव mm होता है व्हाट इज द पर्पोज ऑफ डंप भल डाल का काम क्या होता है तो डम्पाल का काम होता है टू मेंटेन अप्रोक्सीमेट सेम स्पीड ऑफ ऑल एक्सेल ये हर एक एक्सेल का स्पीड को सेम रखने का समान रखने का, का काम करता है टू प्रोटेक्ट व्हील एगेंस्ट स्कीडिंग व्हील को स्कीडिंग होने से ये आप लोग का रोकता है तो ऑप्शन सी के साथ चलिए बोथ ए एंड बी हो जाएगा नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ आई सी एफ कोच आई सी एफ में देखिए नया चक्का का डायमीटर पूछा है जो कि 915 सौ mm एमएम होता है तो नया कंडीशन में आई में नया कंडीशन में चक्का का डायमीटर 915 सौ mm, एमएम इसका जो लास्ट सॉफ्ट इशू साइज है एट थर्टी फोर एम एम और जो कन्निंग लिमिट है आठ सौ पच्चीस एम एम ये भी डाटा याद रखिए बार इज द यूनिट ऑफ तो बार किसका यूनिट है बार प्रेशर का यूनिट है दबाव का यूनिट है प्रेशर ऑप्शन सी के साथ चलिए राइडिंग इंडेक्स ऑफ एल एच बी कोचिज तो यहीं पर राइडिंग इंडेक्स पूछा है एल एच बी कोच के लिए जो कि मैक्सिमम टू पॉइंट सेवन फाइव होता है तो इसका रेंज जो होता है टू पॉइंट फाइव से टू पॉइंट सेवन फाइव टू पॉइंट फाइव मिनिमम है और मैक्सिमम टू पॉइंट सेवन फाइव आयोज आई सी एफ कोच इज़ डॉन इन द इंटरवल ऑफ डेस मंथ तो यहीं पर इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग पूछा है आई सी एफ कोच के लिए तो ये हो जाएगा आयोज होता है नौ महीने में तो इसके बारे में भी थोड़ा डाटा देख लीजिए तो आप लोग का ये जो नया बिल्ट कोच के लिए फास्ट जो आयोज होगा ये होगा ट्वेल्व मंथ में इसके बाद सब्सिक्वेंट तो जो आयोज होगा ये होगा नाइन मंथ में इसी हिसाब से पीओ जो फास्ट पीओ होगा ये हो जाएगा ट्वेंटी फोर मंथ में और जो सब्सिक्वेंट पी होगा इसके बाद जो पीओच होगा ये होगा एटीन मंथ में तो ये भी डाटा आप लोग याद रखिए आयोज के लिए और पीओच के लिए नंबर ऑफ डॉम्प भल्व इन वन एल एच बी तो एक एल एच बी कोच में चार के संख्या में डॉम्प भल्व रहता है सिलेंडर पिस्टन स्ट्रोक ऑफ एल एच बी कोचिज डे एम तो यहीं पर देखिए आप लोग का एल एच बी कोच के लिए जो सिलेंडर का ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक पूछ रहा है जो कि दस एम एम होता है ये आप लोग का मिनिमम है और मैक्सिमम आप लोग का ट्वेंटी वन एम तो ये भी बहुत क्वेश्चन में आठ से दस एम mm रहेगा या दस से बारह एम mm भी रह सकता है एल कोच का सिलेंडर पिस्टन स्ट्रोक तो आप लोग उसी हिसाब से इसको आप लोग आंसर लीजिए और मैक्सिमम आप लोग का ट्वेंटी वन एम होता है कैपेसिटी ऑफ मेन रिजर्वर ऑफ एयर स्प्रिंग सिस्टम इज डेस लीटर तो यहीं पर देखिए आप लोग का मेन रिजर्वर के लिए कैपेसिटी पूछा है एयर स्प्रिंग का जो कि 150 लीटर होता है ऑप्शन सी के साथ चलिए ड्यूरिंग प्रॉपर प्रेशर इन एयर स्प्रिंग पोजिशन ऑफ लेवलिंग भाल्व इच तो लेवलिंग भाल्व का पोजिशन पूछा है तो ये आप लोग का अगर प्रॉपर प्रेशर रहेगा एयर स्प्रिंग में एयर स्प्रिंग में छः के जी का प्रेशर प्रॉपर प्रेशर रहेगा तो यही कंडीशन में लेवलिंग भाल्व का जो आप लोग का पोजिशन रहेगा ये रहेगा आप लोग का हॉरिजेंटल रहेगा हॉरिजेंटल कंडीशन में रहेगा ऑप्शन बी के साथ चलिए अगर इंस्टॉलेशन लीवर के लिए यहाँ पर क्वेश्चन होता इंस्टॉलेशन लीवर के लिए तो प्रॉपर जो अगर प्रेशर रहेगा एयर आप लोग का एयर स्प्रिंग में ये कंडीशन में ये वर्टिकल होता इंस्टॉलेशन लीवर के लिए वर्टिकल हो जाएगा और लेवलिंग भाल्व के लिए हरीजेंटल हो जाएगा पी एच डी प्रोवाइडेड इन एल एच बी कोचेस कैन बी रीसेट तो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस जो एल एच बी कोच में इसको रीसेट कैसे करेंगे तो so, जहाँ से चैन पुल किए हैं वही पॉइंट से ही एक स्क्वायर आप लोग का अनार मिलेगा उसको आप लोग का स्लॉट्स में घुसा के उसको रोटेट कर दीजिए तो ये आप लोग का रीसेट हो जाएगा तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रॉम द पॉइंट वेयर चैन पुल जहां से चैन पुल किया गया है वहीं पर ही इसका पीएचडी का रिसेट होता है ऑप्शन सी के साथ चलिए द यूज ऑफ सिक्सटीन पॉइंट टू फाइव टन एक्सेल लोड बॉगी इच तो यहाँ सोलह पॉइंट टू फाइव टन जो एक्सेल लोड कैपेसिटी ये कहाँ पर यूज होता है तो ये एसी कोच के लिए यूज होता है ऑप्शन बी के साथ चलिए तो जैसे कि आप लोग आई कोच का देख लीजिए आई कोच का ए का जो एक्सेल लोड कैपेसिटी सिक्सटीन पॉइंट टू फाइव टन नॉन ए सी थर्टीन टन एल एच बी में ए सी नॉन ए सी बोथ दोनों में ही सिक्सटीन पॉइंट टू फाइव टन एक्सएल लोड कैपेसिटी वंदे भारत में सेवेंटीन टन एक्सेल लोड कैपेसिटी इन ट्विन पाइप सिस्टम द अग्जुला रिजर्वर प्रेशर शुड बी तो ट्विन पाइप सिस्टम में एयर प्रेशर कितना होना चाहिए ट्विन पाइप सिस्टम में एयर का प्रेशर हो जाएगा 6 के पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसी हिसाब से अगर सीआर का आप लोग का आएगा सीआर का प्रेशर कितना होगा यह हो जाएगा फाइव के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर कंट्रोल रिजर्वर का प्रेशर व्हाट इज द नेम ऑफ द सक ऑब्जर्वर कनेक्टेड बिटवीन बॉगी एंड बॉडी बॉगी और कार बॉडी के बीच में जो डैम्पर्स फिट होता है इसको बोलते हैं ईयर डैम्पर जो कि पर बोगी, एक बोगी में दोनों बाजू में दो के संख्या में पर कोच में एक कोच में दो दो करके चार के संख्या में ईयर डैम्पर रहता है आफ्टर रीचिंग एन एक्सीडेंट साइट फर्स्ट स्टेप इज टू तो जब भी कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट साइट में हम लोग पहुँचने के बाद पहला काम होता है कि आप लोग जो साइट है उसको प्रोटेक्शन कीजिए प्रोटेक्शन ऑफ साइट तो अप एंड डाउन दोनों लाइन को ही आप लोग इसको बंद कर दीजिए इसमें स्टॉप बोर्ड लगा दीजिए इसको प्रोटेक्शन कीजिए ताकि इसके बाद कुछ ना फिर से एक्सीडेंट हो जाए तो इसके लिए जैसे भी साइड को पहले प्रोटेक्शन करना है इसके बाद ही आप लोग का दूसरा काम जो भी हो मैक्सिमम डायमीटर ऑफ एक्सेल माउंटेड डिक्स ब्रेक इन एल एच बी कोचिज डे तो यहीं पर देखिए डिक्स ब्रेक जो लगाया गया है इसका डायमीटर पूछा है तो इसका डाय एल एच बी कोच में डिक्स ब्रेक का डाय छह सौ चालीस एमएम ऑप्शन बी के साथ चलिए व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन साइड बियर ऑफ आई कोच आई कोच में दो साइड बियर के बीच में ये डिस्टेंस पूछा है जो कि सोलह सौ एम एम होता है ऑप्शन सी के साथ चलिए व्हिच तो सा पार्ट इज नॉट यूज इन आई ट्रॉली तो आईसीएफ़ ट्रॉली में कौन सा पार्ट्स यूज नहीं होता है ये देखिए डैशबोर्ड यूज होता है साइड बेअर यूज होता है शॉक ऑब्जर्वर यूज होता है लेकिन जो ड्रैग लिंक है ये यूज नहीं होता है ड्रॉ लिंक यूज नहीं होता है तो ऑप्शन आप लोग डी के साथ चलिए हाउ मेनी सक ऑब्जर्वर्स आर यूज इन एल एच बी कोच एल एच बी कोच में टोटल कितना सक ऑब्जर्वर यूज होता है तो ये आप लोग का अठारह के संख्या में यूज होता है ऑप्शन सी के साथ चलिए जैसे कि प्राइमरी वर्टिकल डैम पर ये आप लोग का चार के संख्या में सेकेंडरी वर्टिकल डैम पर दो के संख्या में यर डैम पर दो के संख्या में लेटरल डैम पर एक के संख्या में ये पॉर बोगी का कन्फिगुरेशन है पॉर बोगी में नौ के संख्या में टेर यूज होता है और पर कोच में डबल कर दीजिए पर कोच में बोथ साइड ये अठारह हो जाएगा टाइप्स ऑफ साइड बियरर फिटेड इन कैशनफ ट्वेंटी टू एच एसोगी 22 ट्वेंटी टू एच एस बोगी में आप लोग का स्प्रिंग लोडेड सीसी टाइप साइड बियर भी यूज होता है और पॉली यूरिथिन टाइप का साइड बियर भी यूज होता है ऑप्शन बी के साथ चलिए स्प्रिंग लोडेड कंस्टंट कंटक्ट टाइप साइड बियर एंड पॉली यूरिथिन टाइप साइड बियर यूज होता है ट्वेंटी टू एच एसोगी में वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो ये जून पांच को हर एक साल मनाया जाता है ऑप्शन बी के साथ चलिए चोक डायमीटर ऑफ .E पीई ए बी ऑफ एल एच बी कोचिस डे तो एल एच बी कोच में जो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म भाल्फ होता है इसका डायमीटर पूछा है जो कि नाइनटीन एम होता है और आई सी कोच में ये एट एम mm का चौक डायमीटर रहता है ये भी याद रखिए व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरेज एडमिनिस्ट्रेटिव तो निरीक्षण गाड़ी निरीक्षण गाड़ी प्रशासनिक का परिवहन कोड क्या होता है ये होता है आर होता है जैसे कि आप लोग देखे होंगे डी आर का सेलून रहता है तो इसमें आप लोग का आर रहता है इसका ट्रांसपोर्टेशन कोड द एल टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज इफ और नाउट वियन तो एल टाइप ब्रेक ब्लॉक जो कि अंडरफ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम गुड्स वागन में यूज होता है तो इस इसको चेंज कर देंगे अगर इसका आप लोग का थिकनेस जो है ये घिस के टेन एम mm हो जाएगा तो ऑप्शन ए के साथ चलिए अगर ये के टाइप ब्रेक ब्लॉक के लिए होता है तो ये बारह एम mm होता है तो ये भी जरूर ध्यान में रखें तो के टाइप जो ब्रेक ब्लॉक आप लोग का बी एम बी एस और बी एम बी सी आई सब कुछ में यूज होता है के टाइप का ब्रेक ब्लॉक डिश डोज नॉट कवर अंडर द आइडेंटि डेफिनेशन ऑफ कैटल एच पर एक्सीडेंट मैनुअल तो एक्सीडेंट मैनुअल के आधार पर कैटल रन ओवर को श्रेणी में नहीं आता है तो कौन सा इसमें चार ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा जो जीव है जानवर है ये कैटल रन ओवर का कैटेगरी में नहीं आता है तो यहीं पर देख लीजिए जो डंकी है जो गधा है ये कैटल रन ओवर में नहीं आता है सियारों में नहीं आता है एज पर एक्सीडेंट मैनुअल एक्सीडेंट आर क्लासिफाइड इन सिक्सटीन कैटेगरी एक्सीडेंट मैनुअल में आप का सोलह क्लासेस है जो कि इंग्लिश अल्फाबेट ए से लेकर आर तक का, इसमें किया है, जिसमें जो और टाइप का कोई भी एक्सीडेंट रहता नहीं है तो ऑप्शन बी के साथ चलिए नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स कुछ राजभाषा का क्वेश्चन है राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो यहीं पर आप लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन राजभाषा आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष फर्स्ट चेयरमैन ये बीजी खेर थे ऑप्शन ए के साथ चलिए केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं तो आप लोग का सेंट्रल हिंदी कमिटी केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री जी ऑप्शन के साथ चलिए संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं तो संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा से बीस मेंबर होते हैं ये लोकसभा से और राज्यसभा से दस के संख्या में मेंबर में होते हैं तो तीस जो होते हैं ये टोटल मेंबर में होते हैं हिंदी में काव्य संग्रह लिखने पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है तो जैसे कि हिंदी में पोएट्री पोएम गज़ल ये सब लिखने के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है इसका नाम है मैथिली शरण गुप्त एवॉर्ड दिया जाता है ऑप्शन ए के साथ चलिए राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ है तो राजभाषा अधिनियम 1963, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, ये संशोधित हुआ है अमेंडेड हुआ है 1967 में ऑप्शन बी के साथ चलिए डी ए अंडर डी एन ए आर नॉन एच तो यहीं पर डी ए क्या होता है जो कि डिसिप्लिन एन एपीएल रूल्स के अंतर्गत तो ये होता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होता है ऑप्शन बी के साथ चलिए जो डी ए जो होता है इसका फुल फॉर्म है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो कि डी एन ए आर के आधार पर डिसिप्लिन ए पी एल रूल के आधार पर इसका फुल फॉर्म डी ए का फुल फॉर्म हो जाएगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी तो अनुशासनिक अधिकारी हो जाएंगे आ, तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन बी के साथ चलिए तो चलिए फ्रेंड्स यहीं पर बड़ोदरा डिवीज़न बड़ौदा डिवीजन वेस्टर्न रेलवे का टेक्नीशियन थ्री फिटर सी एन डब्ल्यू डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर था फिफ्टी फाइव ही क्वेश्चन था तो ये सल्फ हो गया है अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए फ्रेंड सर्किल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तो नेक्स्ट फिर मिलेंगे और एक डिवीज़न का पेपर लेके तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए प्रिपरेशन कीजिए अगर कहीं पर भी गलती है तो जैसे कि बार बार बोलते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए तो मिलेंगे नेक्स्ट एक डिवीज़न का पेपर लेके जय हिंद दोस्तों जय जगन्नाथ दोस्तों